हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। सोचा कि मेरी जो थोड़ी बहुत कलेक्शन है मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, कि उन ट्रेंडों से मैं भी बहुत पीछे थी, तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर भी करती हूँ मुझे कितना कॉस्टली पड़ा। और प्लीज़ मुझे सजेशन देना कि मैं ऐसी कौन सी जगह जाऊँ जहाँ आप जाते हो, जहाँ मुझे थोड़ा रीज़नेबल लगे। ओके। सो ये मेरा वेलवेट का सूट है, ये मैंने लक्षिता से लिया था ये, और मतलब बहुत ज़्यादा ये गर्म है। मैंने अपनी अभी 31st पार्टी में भी पहना था, तो मुझे स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन मैं स्वेटर कम पहनती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ ऐसी कोई चीज़ पहनूँ मुझे कोट शॉल लपेटना ना पड़े। सो ये मैंने इसका जो स्लीव आप देख रहे हो, बाजू भी बहुत अच्छी थी, तो डिफरेंट था, तो इसका बाजू में भी वर्क है। और ये मैंने सूट, इसमें पूरे ऑल ओवर सूट में पूरा काम है, मैं आपको इसकी पिक्चर दिख रही होगी। सो ये मैंने लिया था लक्षिता से 4400 डॉलर। बहुत डार्क था, मेरे हस्बैंड की चॉइस थी। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने 2 बार पहन चुकी हूँ इस सूट को। सो ये मेरा सूट है, ये मैंने इसका भी, मैं आपको, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है, बहुत अच्छी पॉपुलर बंदी है, हमारे कमला नगर में रहती है, मोमोज पॉइंट की गली में उसकी शॉप है। मैंने पूरा कमला नगर छान मारा था, मुझे सूट नहीं मिल पा रहा। मतलब बात ये नहीं थी, मुझे आती थी कि मैं सर्दी के टाइम थोड़ा हल्का मतलब बहुत लाइट सूट पहनूँ और लुक बहुत अच्छी लगे और रीज़नेबल भी हो। सो ये मुझे पूरा पड़ा था, इसके अंदर सूट मेरा जो ये है, ये मतलब शॉर्ट है, फ्रॉक टाइप है, मैं शॉर्ट मतलब इसको अगर मैं नीचे पजामी ना पहनूँ तो ये लाइक हील्स पहनूँ ना, फ्रॉक टाइप भी बन जाएगा, बहुत अच्छा था स्टफ। तो इसके नीचे है शरारा भी बहुत कंफर्टेबल था, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ आपके पैरों के नीचे आएगा ये। और इसका कलर देखो यार, मैं कलर में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस कलर हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेड, तो मैंने देखते ही पसंद कर लिया था कि यार नहीं मुझे ये लेना है। सो ये मेरी सेकंड कलेक्शन है नई में। सो ये मैंने लिया था 2500 का, 2500 का। सो ये मुझे वर्थ लगा कि यार ठीक है, मैंने 2-3 बार पहन चुकी हूँ इसको। सो देन ये मेरी शर्ट है, लॉन्ग शर्ट है, इसके मैं लेगिंग भी कैरी कर सकती हूँ, लेगिंग हो गया या जीन्स हो गई, या फिर अगर आपको जीन्स नहीं पहननी, नीचे आप शॉर्ट्स पहन लो और खाली आप गर्मियों में आप ये पहन सकते हो शर्ट्स। बहुत ये भी कलरफुल शर्ट है, इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये मैंने एक अच्छी ब्रांड है उससे लिया था मैंने। सो ये मैंने लिया था सिर्फ खाली शर्ट थी, ये मैंने ली थी 28। ये मेरा सूट है, ये मैंने सिंपल सूट लिया था, ये भी मेरा पूरा प्रिंटेड है, मुझे लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं गर्मियों में। सो ये मेरा 4th कलेक्शन है, सिंपल पैंट्स है, ये फ्रॉक सूट है, ये मैंने लिया था ये सूट मैंने लिया था अपने घर के पास ही, नियर एक शॉप है, सुई धागा ब्रांड है, वो भी बहुत अच्छा है, उसके सूट्स बहुत रीजनेबल्स होते हैं। हाँ, एक और कलेक्शन थी मेरी, मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये मेरा आयन नहीं है सूट, बट ये भी मैंने लक्षिता से लिया था। इसका आप आजकल वी किले का बड़ा फैशन है, मैंने अपने और मैं नेक्स्ट वीडियो अब 2023 में कसम नहीं खाऊंगी, बट कोशिश करूंगी कि मैं बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं मेरी लाइफ में। ये चीज़ें भी, बैकग्राउंड जो बहुत गंदा बैकग्राउंड लगता है वो भी चेंज हो जाए बहुत जल्दी। सो मैं आपको नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तो प्लीज़ गाइज़ अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय।